इंज ही 1971 की जंग विच वापरिया जदों जंग पूरे जोरां ते सी चार सफेरे ठा ठा हवाई जहाजा का रौला फायरिंग ब्लैकआउट ठीकरी पहरे ते जसूसी गोलियां की तिड़ तिड़ तां लोकां दे कलेजे डुब डुब जांदे सन। ये लड़ाई के 17 दिन लोगों 17 साल वांगू बतीत होए। बार्डर के इलाके विचों हिजरत करके लोग इधर उधर चले गए सन। तो उन्होंने दिनों में भी उन्होंने पिंडों हौसला देंदे रहे जिन्हां परिवारों के जी इस लड़ाई में सन उन्होंने लहू सुके हुए सन। फौजियों के परिवार सहमे हुए सन पता नहीं कदों किहड़ा सनेह आ जाना। ऐसे ही युद्ध विच एक फौजी सरदार बड़ी बहादुरी नाल लड़ रहा सी। पिछे घर वाले रात दिन परमेश्वर अगे अरदासां ते जोधड़ियां करदे सुखना सुख रहे सन। जदों लड़ाई होर तेज हो गई मृतक फौजियों दीआं लाशां पिछे घरां नूं आउण लगियां तां इस परिवार नूं होर भी डोबू पैण लगे। कई दिनों तो सुख सुनिया नहीं सी आ रहा, सुख सांत की कोई खबर नहीं सी। अखीर एक दिन यह परिवार संतां दे चरणां ते आके टै पिया। काफ़ी संगत बैठी हुई सी, संतर अंतरात्मे ले विलीन सन, बाणी चल रही सी। एक बीबी ने भरे मन नाल आपदे चरणां ते बेनती की, महाराज जी साडा बच्चा भी फौज विच है, जंग लगी हुई है, कई दिनों का कोई सुख सुनेहा नहीं मिलिया, पिता जी मेहर करो, बच्चे की रखिया करो, दादा जी उहदी खैर सुख बख्शो जी। उस बीबी के हाथ जुड़े हुए, अखां चो नीर ते जबान ते तरला सी। सारी संगत ने भी यह बेनती ध्यान नाल सुनी, हर कोई मन ही मन उसकी अरदास कर रहा सी। बाबा जी कुछ देर अंतरात्मे ध्यान बैठे रहे, फिर सेवक नूं हुक्म कीता, सब नूं लस्सी छकाओ। कुछ देर फिर चुप रहे, फिर कहन लगे, ओ भला ठीक आ, कुछ नहीं होया उहनूं, दिल चो भजन करिया करो, बाबा नानक भली करेगा, चलो जाओ पहरे लग जाओ। परिवार नूं कुछ हौसला होया, घर परत आया, उधर की खेड वरती। उस फौजी ने वेख्या कि वरदियां गोलियां ते ठा ठा पैंदे बंबां दी छावे एक बुजुर्ग उहदे वल आ रहा है। तेर खतर दा पड़ना, सिर ते खतर दा पड़ना, गल कुड़ता ते फतूही हाथ च सोटा। उस बुजुर्ग ने आके आवाज दित्ती, तगड़ा आ जा शेरा, देलना छड्डी दिहाड़ी दंग दी खेड, बाबा नानक तेरा राखा। उस फौजी ने उस बुजुर्ग की आवाज़ सुनी, मन तगड़ा हो गया, बुजुर्ग चले गए। फौजी हैरान हो गया, इहो जी हालत विच कौन है जो मैनू सुनेहा देण आया, इधर कोई बंदा परिंदा भी डरदा नहीं आउंदा, जंग पूरे जोबण ते है, जरूर कोई खास गल है, बुजुर्ग कोई सुधारन नहीं हो सकता। वह फौजी का मन तगड़ा हो गया, उसके सब हथियार मशीन पहलों नालों वधिया काम करन लगे, पूरी तनदेही नाल मोर्चा संभाल लिया। इधर वह परिवार रोज़ डेरे जाता सुखना सुख का, जिंजी जिन्ना चिर उत्थे बैठे रहिंदी है मन नूं चैन रहिंदा। एक दिन फिर उस बेबी ने बेनती की, संत कहन लगे, बाबा नानक राखा साहब दा, संडियां दे सिंग फस गए सन, कोई भी नहीं सी सड़दा, बाबा नानक विच खलो गया, सारे जीव दे हन, उसनू सब दी फिकर है, दिहाड़ी डंग दी गल है, सब दा पला होवेगा। उही गल तीजे दिन लड़ाई बंद हो गई, सब ने सुख दा साह लिया, रब दा शुकर कीता, जान विच जान आई, अपने अपने बच्चों की सुख सांद उड़ीकन लगे। जिस जिस दा राजी बाजी दा सुनेहा मिलिया उही सुखना लाउण तुर पिया, सब शुकर शुकर कर रहे सन। कुछ दिनों बाद वो परिवार डेरे आया, उन्हां दे नाल वो फौजी बच्चा भी सी। उसने पहला कदी बाबा जी दे दर्शन नहीं सन कीते, जदों डेरे आया तां सोचण लगा, कैसे बाबे कोल मैनू लै आए हन, कच्ची कुटिया है, सुधारण जे लोग हन, ना कोई गुरद्वारा, ना कोई गेट, संगमरमर नहीं, जोड़ा करनी, लंगर आल नहीं। जो अंदर आया तो वेख्या कि यह तो उही बजुर्ग आ जिहड़ा मैनू वरदियां गोलियां च हौसला देण आया सी। अंतर ध्यान बैठा है, बाबा उही आ,
हाथ विच सोटा खदर दे कपड़े उसनू अपनी अखां ते यकीन नहीं सी आ रहा। उसनू सारी खेड़ दा पता लगा, ढह के पैरी पै गया, अखां चो वराग ते प्यार दा नीर, हिरदे च शकराने ते बेनतियां, अपनियां भुलां लिखी मां संतां दे परोपकार लई शुकर शुकर, किन्ना चिर संतां दे चरणां ते पिया रहा। सारे परिवार के नैण सिजल सन। वह बीबी रोज डेरे आण के बेनतियां करती सी, वह भी उसके भी हथ जुड़े हुए सन। नैणा च त्रिप त्रिप हंजू शुकराने दे, एक अकै शरदा संतां दे प्यार नाल उसका सिर चुकिया, दोहां हथां विच लिया ते कहन लगे, धन बाबा नानक देव, ये सब बाबे नानक दी वडियाई है, उही राखा सारिया का, उसनू सब का फिक्र, वैष्णो बिरती रखो, बाणी रोज पढ़ो, सब की सुख मंगो, किसी का बुरा ना सोचो। ये कह के सबनों लच्छी सिखाउण दा आदेश दिता। उस तो बाद उस फौजी ने अपने किन्ने ही होर साथियों डेरे लिया ते संगत नाल जोड़िया।